अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल बड़ा और मंगोली तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 9109898811। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने माफियों को उल्टा लटकाने की बात क्या कही। प्रशासन तो अब किसानों के पीछे पड़ गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसान आतंकवादी हो। एक गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि एक किसान छोटी सी जमीन पर, शासकीय जमीन पर कब्जा किए था, उसने बोनी कर ली और बोनी के बाद उसकी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाने प्रशासन पहुंचा। दो थानों की पुलिस थी, तीन चौकियों की पुलिस थी, तमाम प्रशासन था, वही गजब है। तो जनता जनार्दन से हम अपील करेंगे कि अगर कोई कब्जा किए हो तो कब्जा छोड़ दे। साथ ही जनता एक सूची सौंपे प्रशासन को कि उन माफियों के मकान और उन माफियों की जमीन क्यों आजाद नहीं हो रही जो सास की जमीन पर कब्जा किए हैं, क्योंकि वो नेताओं के चहेते हैं। इस वजह से अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर सागर एक्सप्रेस न्यूज बनेगा आपकी आवाज। तो जनता से गुजारिश है कि सही को सही कहना सीखो। अगर कहीं गलत हो रहा है तो फिर बुलंद कर दो इंकलाब, क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश किसी की जागीर नहीं। तो देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां प्रशासन खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलवा रही है। दो थाना और तीन चौकियों की पुलिस एक गांव में ऐसी घुसी कि जैसे किसान अब आतंकवादी हो गए हो। बाकायदा उनकी खड़ी चने और गेहूं की फसलों पर ट्रैक्टर चलवा कर उन्हें नष्ट किया जा रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। ज्यादा वो करेंगे तुम्हारा नुकसान होगा, मैं बता रहा हूँ सर। अरे तो सबकी एक साथ पकड़ जाएगी क्या? यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई के मालथोन तहसील के उजनेट गांव से जुड़ी हैं, जहां कल्याण यादव की खड़ी फसल पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं बल्कि ट्रैक्टर चल रहा है। किसान विरोध कर रहा है, मोबाइल पर कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं तो पुलिस उन्हें रोक रही है। असल में माजरा जरा यूं है, प्रशासन की नजर में बड़े बड़े जमीन के दलाल और माफिया नहीं बल्कि अब उनकी नजर में छोटे छोटे वो किसान हैं जो कुछ सास की जमीन दबाकर खेती कर रहे हैं। अब प्रशासन उन्हें माफिया मानकर यह कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि उजनेट गांव पुलिस की छावनी बन गया। भाई गजब है पुलिस प्रशासन और गजब है खुरई का प्रशासन। इस किसान ने एक एकड़ सास की जमीन पर गेहूं और चना की फसल बोई थी। जब इसने फसल बोई थी जब प्रशासन नहीं आया, अब जब फसल पक गई तो प्रशासन आ धमका। अब प्रशासन आया था एक एकड़ की सास की जमीन में खड़ी फसल को नष्ट करने, साथ ही इसके पिता देवी सिंह की खड़ी फसल पर भी ट्रैक्टर बार बार निकल गया, क्योंकि सास की जमीन को जाने का रास्ता उसके पिता की जमीन से गुजरता है। प्रशासन ने जो जमीन सास की नहीं थी उसको भी नष्ट कर दिया, क्योंकि सास की जमीन तक ट्रैक्टर तो पहुँचना जरूरी था, नहीं तो देश आज बर्बाद हो जाता। अगर किसान को यह फसल मिल जाती तो देश की बुरी हालत हो जाती। अगर किसान इस फसल को काट लेता तो देश पर वैश्विक संकट खड़ा हो जाता। प्रशासन चाहता तो इस फसल को कब्जे में लेकर आगाह करके फसल कटवा कर अपने कब्जे में ले सकता था, लेकिन उन्होंने इस सास की जमीन की खड़ी फसल के साथ इस किसान की अपनी जमीन की खड़ी फसल भी नष्ट करनी थी। शायद इसी मंशा के चलते उन्होंने ऐसा किया। इस किसान की दलील है कि इस गाँव में रसाल आदिवासी चतुर्भुज सिंह यादव, पिम्मा आदिवासी कई एकड़ सास की जमीन पर कब्जा किए हैं, लेकिन प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करता। नाथ तहसीलदार पकड़ गया था, हमने सूचना दी, उन्हें हमें कोई याद नहीं था, उन्हें हमारे तक कोई पटवारी वो तो चौकीदार गाँव ने कोई सूचना का उन्हें हमें नोटिस दिया। चूने में खेत बखर रहती
जब हमारे पतो लगो ट्रैक्टर को डीजल का तो हमारे पतो पतो की खेत बखर में आओ कुछ हमारे देश में रोको हाथ में दी जोड़ी तो तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि हमें ऊपर से आदेश है तो हमने ऊपर को आदेश बता लगे कौन को इतना ही नहीं कई अन्य जगह लोग सास की जमीनों पर कब्जा किए हैं लेकिन कुछ लोगों पर ही प्रशासन उन्हें टारगेट बनाकर यह कार्रवाई कर रहा है। यह प्रशासन का दोहरा मापदंड ठीक नहीं है। बहरहाल हम तो जनता से गुजारिश करेंगे, किसानों से गुजारिश करेंगे कि सास की जमीनों पर कब्जा छोड़ें, साथ ही जनता प्रशासन को एक सूची सौंपे कि कौन कौन रसूख नेता, वजनदार नेता, बड़ा नेता सास की जमीन पर कब्जा करे है। प्रशासन को ऐसी सूची सौंपे, अगर प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर सागर एक्सप्रेस न्यूज जरूर आपकी आवाज बनेगा। लियाकत खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, खुरई।